पीने चला गया, शराब पीना शुरू कर दिया, क्या करूं रे, सब कहने लगे आपको पी लो। अरे मेरा कुछ खुद का सिद्धांत नहीं है, ना हमारे खाने पीने के सिद्धांत, ना उसके सुबह उठने के सिद्धांत। कोई शुद्ध फॉलो सम लाव, गॉडली लाव, तब हम महान शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके नेक्स्ट लर्निंग, लर्निंग नेचर, लर्निंग को सीखने की भावना। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सैकेंड अक्टूबर संडे नहीं है, भले हॉलीडे है, पानीपत के बिजनेस सेंटर सब बिजनेस, लोगों की फैक्ट्रियां दुकानें तो सबकी खुली, पर इतने लोग आए ये चैलेंज था। पर हिम्मत है, आज सब इतने लोग पहुंचे, हमारा हाल भरना मुश्किल होता है। आज ये हाल भर है, अलविदा तनाव भी किया, गेस्ट वो लोग भी बहुत आए, कौन कौन आए अलविदा तनाव, हैदराबाद नगर जुना के चेयरमैन, उसने कहा मैं दुनिया भर की नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, थोड़ा सा भी ऐसे डिस्टर्बेंस होते होते शुरू हो जाती है। नमस्कार, कंचन टीवी की टीम पहुंचे मतलोडा के थिराना में, जहां पर ज्ञान सरोवर, जी हाँ, जहां ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर में एक यहां पर सेलिब्रेटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, लॉन्चिंग ऑन कैंपेन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस पर, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं जो चेंग, जो ताइवान से है, मुकेश शर्मा जी यहाँ पर मुख्य अतिथि है, और भी ज्ञान सरोवर ब्रह्म हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के और भी काफी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर मुख्य अतिथि बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, बी के सरला जी हैं, बी के भरत भूषण जी हैं, और मिस्टर जो चेंग है, एस के शर्मा जी, बी के पुष्पा जी, बी के राज जी और बी के ज्योति जी, विद्यालय है वहाँ के काफी गणमान्य जो पदाधिकारी हैं, या फिर ये कहिए कि यहाँ के बड़े बड़े जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं, और पूरे देश प्रदेश से, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए कैसे कितनी भीड़ है यहाँ, पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। कंचन टीवी की टीम आज पहुंची है यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, जी हाँ, यही ज्ञान सरोवर जो थिराना मतलोडा के थिराना गांव में स्थित है, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम है, आइए हम जानते हैं बी के सुनीता कुमारी जी से कि आज ये क्या प्रोग्राम हुआ, किस उपलक्ष्य में ये किया जाए। ओम शांति। आज का ये प्रोग्राम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसमें विषय लिया गया है सेलिब्रेटिंग लाइफ, जीवन को उत्सव के रूप में कैसे मनाया जाए। तो आज यहाँ पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्र के सभी भाई बहनों ने इसमें हिस्सा लिया, और उसमें आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया, और ये विशेष बताया गया कि हम अपने जीवन को उत्सव के रूप में मनाएं, हम हमेशा वाह वाह करते हुए चले, जीवन में हाय हाय करते जीवन को हमने खुशियों से वंचित कर दिया, हम खुश रहें और खुशियां बांटे, और खुश रहने के लिए अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप सदा खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद सभी दर्शकों का। जी, यहाँ पर हमारे एक भाई भी हैं अमृत जी, उनसे हम जानना चाहेंगे सर, ओम शांति, एक नाम लिया जाता है ओम शांति, इसके मायने कुछ लोग गलत निकालते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इसके मायने बहुत ऊंचे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में आप देखेंगे कि जब भी कोई भगवान की बात करता है उससे पहले कहता है बोलो ओम शांति, वास्तव में वो शांति हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा को शांति मिले, तो उस शांति के लिए ओम शांति का शब्द उच्चारण किया जाता है। बाकी आपने कहा कि कुछ आत्माएं, कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, तो वो अपनी समझ की बात होती है, कोई किसी बात को किधर ले जाता है, कोई किधर ले जाता है, लेकिन हमारा वास्तविक उद्देश्य ये है कि हर मानव शांत हो, उसके जीवन में सच्ची सुख और शांति हो, और उसका जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल भाई जी। जैसे कि हम यहाँ पहुंचे और ये एक भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश ओम शांति यानी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा हमेशा दिया जाता है। थिराना मतलोडा से कंचन टीवी के लिए सुनील कैमरामैन के साथ मैं यशपाल कंचन।